हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पर। तो अभी जो है दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉगिंग। तो अभी दीदी और मैं रेडी हो चुके हैं, एक्चुअली जा रहे हैं शादी पार्टी में, एकदम बुड्ढा वाला शादी है। एक यहाँ हम लोग का भाई होगा ना, हाँ भैया लगता है, तो उनका जो है वो पहले तो शादीशुदा है, उसका लड़की लोग भी पूरा जवान हो चुके हैं, अभी बस नियम को जो है वो कर रहा है, पार्टी दे रहा है। तो हम लोग जो है पार्टी में जा रहे हैं, कल रात को आए थे हम लोग का घर पे इनवाइट करने के लिए, तो लकली है। तो अभी जाते हैं सीधा शादी पार्टी में, लम्बो जो है वो लास्ट में आ जाएगा। अभी दीदी और मैं जा रहे हैं, वैसे घर पे रहकर क्या करेंगे, सुबह से लेकर बारिश दे रही थी, अभी दोपहर को थोड़ा रुक गई है, तो नहा धो के अभी निकल चुके हैं शादी पार्टी की ओर। बहुत ही शोर शराबा है, तो हमने जो है खाना वगैरह भी खा लिया है, पूरा गाना बज रहा है, वहाँ पे जो है पार्टी हो रही है, तो वो सब नहीं दिखा पाऊंगी। तो अभी बस ऐसे घूम रही हूँ, तो दीदी लोग भी पैंडल पे है, अभी बस मैं यहाँ पे ऐसे घूम घूम के रहूंगी। तो हम लोग जो है घर पे आ चुके है, और आजकल इतनी बारिश हो रही है, बारिश फिर से दिया है। अभी हम लोग जो है क्या ही करेंगे, घर पे रहकर बहुत ही बोरिंग है। तो अभी जो है दीदी और मैं यहाँ से साग को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हम लोग का सामान वगैरह जो खरीदने आता है ना, वो आंधी लोग जो है फिर से ये साग को खरीदेंगे वो लोग। तो आजकल पूरा साग जो है मार्केट में उतना नहीं मिलता है, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बस हम लोग का खेत पर है, तो यहाँ से जितना हो सकता है हम लोग उठाएंगे। और मैं खा रही हूँ जुड़ू आलू, ठंडा वाला आलू, ये भाभी ने दिया है, मनबी का मम्मी ने, क्या यहाँ पर टोकरी रख दिया है दीदी ने, और वहाँ पर जो है कारपेट बिछा दिया है, तो उसमें जो है हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे। तो अभी काम करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं। वाओ, इतने बड़े बड़े है ना, देखो तो इतना बड़ा बड़ा है, वाह मजा आएगा। तो अभी इसको जो है कलेक्ट करेंगे, तो मैं इसका पीछे पीछे जब मैं काटूंगी ये कैमरामैन बनेगी, और जब ये काटेगी मैं कैमरामैन। ये देखो, ये किसी ने हंसा था जो हम लोग मुंडा कहते ना, एक्चुअली पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग तो अपने लैंग्वेज में आगा कहते हैं, तो उस दिन हम वीडियो में बोल दिया, दीदी ने भी बोला है ना मुंडा। हाँ, यहाँ पे दीदी जो है कटिंग कर रही है, ये देखो बहुत ही ज्यादा मिल रहा है ना, ये देखो यहाँ पे एक टोकरी फुल हो चुका है, पैसा ही पैसा मिलेगा। पैसा ही पैसा, ये मम्मी का कमाल है। ये छोटे छोटे वाले भी ना, नहीं ये वाला नहीं, बस मोटा वाला, इसमें भी तो है बड़ा वाला, ये पत्ते को भी तोड़ते हैं। ये देखो बहुत ही बड़ा बड़ा लाई पत्ता, इतने बड़े बड़े है, ये देखो साग का मुंडा। साग का मुंडा अभी ये मार्केट में 10 रुपया बिक रहे होगा, हम लोग यहाँ अपने घर से जो है 5 रुपया दे देंगे, इतना सस्ता है। यहाँ पे ये वाला मिला है, और वो वाला सिर्फ पत्ता है बड़ा बड़ा। तो अभी जाते हैं, चलो। ये देखो यहाँ पर अलग हिस्सा, बहुत ही बड़ा बड़ा है, ये देखो इसे भी तोड़ते हैं। तो दीदी और मैं लाई पत्ता कलेक्ट कर रहे हैं, अभी आए हैं घर का पीछे में,
और यहाँ आते क्या सरप्राइज मिला है, ये देखो पूरा एक बैंगन का पेड़ में इतने ज्यादा बैंगन लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर इतने लंबे लंबे, तो इसे भी बेचेंगे। यहाँ पे देखिए, वाओ इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा बैंगन। देखो यहाँ पे एक तो है, वहाँ पे एक तो। पहले इस साइड में बहुत ही बड़ा करके बैंगन का खेती था, तो वो सब काट दिया। ज़्यादा है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है ना उसका पेड़ वगैरह, और जगह भी इतना मारता है, तो बस दो तो रख दिया था खाने के लिए। तो हम लोग का घर पे कोई भी अभी बैंगन का सब्जी नहीं खा रहा है। चलो दे दो। एक में ही हो जाएगा ना एक मुट्ठी। हाँ बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है। और यहाँ पे देखो फूल, इतने सुंदर सुंदर फूल। इसका सीड भी रखेंगे काट के, पूरा पीछे साइड में भी है। क्या मस्त है ना, बहुत सुंदर लगता है। हाँ इसका रेसिपी भी खाए जाते हैं ये फूल का। आसमान को देखो पूरा काले काले बादल हो चुके हैं। अभी ऐसे करने से इतने वो सुना सुना लगती है ना। तो अभी जाएंगे फिर से बगीचा वाला, मेन बगीचा में, तो वहाँ पे ऐसे ही उग जाता है। फिर से यहाँ से जो है हम लोग ये वाला सब्जी लेके जाएंगे। पता नहीं ये जंगली सब्जी है, इसको जो है खा सकता है। और ऐसे देखने से पूरा वो इमली का पत्ता, इमली का पत्ता जैसा लगता है, इसको खाया जाता है बॉयल कर पत्ता। तो अभी इसको जो है तोड़ते हैं यहाँ से। ये देखो ये वाला छोटे छोटे, बहुत सारा मिल चुका है, तो इसको जो है अभी मुठा बनना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े लाइपटा है, तो और भी कलेक्ट करना है क्या, देखते हैं और मिलेगा। ये वाला देखो ना इतना बढ़िया है, बाप रे बाप, ये देखो बढ़िया है ये। मुझे इसका स्मेल बहुत पसंद है। अभी बनना पड़ेगा, इसमें से टोटल बस 50 या 100 मिलने वाला है, 5 रुपया मुठा करके। कोई बात नहीं, 100 रुपया मिलेगा तो फेस वॉश खरीद के सुंदर बन जाऊंगी। उधर के यम मुझा उधर एक बाने खराब बाने बना उधर दियो। ये मिजोरम में 50 रुपया होगा, 50। अन सीजन में तो पूरा और भी महंगा होता है। अभी तो अन सीजन हो गया, फिर भी बहुत महंगा हो, पर हम लोग का यहाँ में क्या करे, बहुत ही सस्ता है, कोई भी नहीं है, खुद हम लोग नहीं खाते, कितना खाएंगे ना। खुद का रहने से हम लोग उतना नहीं खाते है। जो भी हो इसके पास भी हो। 5 रुपया 5 रुपया एक मुठा, 5 रुपया ले लो ले लो, लोकल ऑर्गेनिक है, एकदम फ्रेश ना, बड़ा बड़ा ना। हम लोग होम सेलिंग कर रहे हैं, 5 रुपया। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ना। होलसेल में, होलसेल में। और फॉर्म वो हरार मूवी देख रहा है, दुनिया में खो गया अपना, दुनिया में कब से बोल रहे हैं अपने पति को थोड़ा सा थंबनेल के लिए आ जाओ कैमरा में, वीडियो भी शूट हो रहा है, वीडियो शूट। एक गोली में दो शिकार। Oh guys,
अभी मोटा तो बांध दिया है तो दीदी हिसाब कर रही है ₹5 बोल के कितना मिलेगा हमें। ये देखो कितना बड़ा बड़ा मोटा बांध दिया है। किसी का खाना है तो मार्केट में जरूर से खरीदना। ये आंटी लोग कितना बिक्री करेगा वो तो मालूम नहीं है, पर हम लोग ₹5 में बिक्री कर रहा है। ये देखो ये थोड़ा सा होम सेलिंग सस्ता में देना चाहिए। और हमने इतना मेहनत करके बांध दिया ना, ये देखो ये वाला अलग है ना। ना हुआ था 130 इतना ज्यादा साग का देखो ना, सिर्फ 130 रुपीस। बापरे को जो है मुठा बांध दिया है, अभी वहाँ पे रख दिया है। जब आंटी लोग आ जाएंगे उस टाइम पे बिक्री होगा ₹5। तो अभी रेस्ट करेंगे। और दीदी यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, सोयाबीन, सोयाबीन को रोस्ट कर रही है। ये देखो रोस्ट, टाइम पास, बारिश में ना कुछ भी नहीं है खाने के लिए तो टाइम पास करेंगे। और यहाँ पे अमित भाई भी आ चुका है, बाहर पे बारिश हो रहा है। तो अभी मैं बैठ के आराम से वीडियो को एडिट कर लेती हूँ। कितना मिनट का हो गया? ओए मैडम, आर यू स्लीपिंग? हाँ मैम, साफ सो रही है, बारिश में कुछ करने को नहीं है। जाग जाओ, कितना सो गए? बच्चे का सर लंबा हो जाएगा ज्यादा सोने से। उठो, ज्यादा सोना नहीं है, उठो। टाइम कितना हुआ? हाँ 4 बजने वाले, उठो। क्या फिर उसका बारिश गई थी ना खतरनाक से, मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए। ये टकलू भी सो गया था, जल्दी उठ गया। समीर भैया भी आ चुके हैं। मैं भी आया हूँ, कैसे हो गाइस? तांबूल खा रहा, तांबूल खा रहे। इतनी बोरिंग लग रही है, क्या ब्लॉग बनाएंगे? पूरा घर में ऐसे बैठ के रहेंगे बस, क्या ही करें, नेट भी नहीं चल रहा है। पता नहीं ब्लॉग बनाने से भी वीडियो कैसे आप लोग दे पाएंगे। क्या आलू को छील लेना, आलू को काट लो। फिर से स्वीट पोटैटो खा रही हूँ नींद से उठने के बाद। थोड़ा सा हम लोग का घर में जो है लोकल वाला राइस फ्लोर है, तो उसी से बिस्कुट भी बना सकता है, पर बिस्कुट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। खाएंगे क्या? खाएंगे क्या लोकल बिस्कुट? उसमें ना बहुत ताकत लगता है, उसको जो है मिक्स करते टाइम पे इतना मुलायम करनी पड़ती है, तो मेरा तो उतना ताकत है नहीं। इतना बदमाश है, पूरा सुपारी का पौधों पे जो है सुसु कर दिया। ये पूरा दिन भर बांध के रखा था। मम्मी को सुसु काटो। नो नो नो, गाबुचे ना जैसा भी गंदा हो, पर ये बहुत हैंडसम लगता है ना। गंदा जैसा नहीं लगता इसको, ये पूरा हैंडसम है ना। हैंडसम है, हैंडसम बॉय है। और यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, केले के जो यहाँ पे रख दिया था, बहुत दिन हो गया, पूरा पक गया होगा। ये देखो नरम नरम हो रहे हैं, येलो येलो हो चुका है। इसको ना ऊपर में रखना पड़ेगा, घर का ऊपर में। ये नहीं करता है काम, इसको करो ना, लो ना। वो खराब हो गया, कहाँ खा सकेगा ना। ये देखो ना कितना बड़ा बड़ा है, बॉइल करके खाने से बहुत टेस्टी लगती है मुझे। अभी भैया भी जा रहे हैं अपने घर। जा रहा हूँ। हाँ बाय बाय, बाय बाय, अभी घर में जाना है, बहुत ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं ना। बाय, तू जा रहा है डॉगी लेके और मैं जा रहा हूँ साइकिल लेके। हाँ जाओ, फिर मिलेंगे भाभी। हाँ फिर मिलेंगे भैया, रुपम भाई फिर मिलेंगे। हाँ इतनी ठंडा है। हाँ होगा भैया। और मैंने फिर से ये स्वेटर लगा लिया है। वाओ इतना क्यूट है, सामने कैमरा सामने लाओ। हाँ बहुत सुंदर है, ये मैंने लगाई थी। ये मैं तुझे प्रपोज करता हूँ, आई लव यू। तुझे नहीं, इसे नहीं, तुझे कर रहा था। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रपोजल। देखो ना पानी,
ऐसा प्रपोजल नहीं चाहिए हमें, मत करो ना, उसमें कीड़ा वगैरह भी रह सकता है, नेचुरल है कुछ नहीं। देखो देखो, और उस दिन जो दीदी ने काट दिया था ना, ये देखो निकल आ चुके हैं, काटने के बाद बिल्कुल ऐसे निकल आते हैं। अभी देखो ना यहाँ पे इतने फूल खिलेंगे, मजा आएगा। ये वाला भी बहुत सुंदर था, ये देखो छोटे छोटे फिर से नए करके निकल रहे हैं, वाइट वाला और इसमें येलो वाला, ये देखो बहुत ही सुंदर सुंदर है। अभी ना उस साइड में भी पहले ब्लॉग में जो है मैंने बनाई थी वो गार्डनिंग, वो देखा था होगा आप लोगों ने, वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल थे। आज दीदी और मैं जैसे हम लोग लायपत्ता तोड़ रहे थे तो उस टाइम पे पूरा दिख गया, थोड़ा सा दिखा देते हैं झलक। इसमें भी एक है, ये वाला फूल जो है एकदम पर्पल कलर का, और इसमें जो है ये देखो क्यूट क्यूट छोटे छोटे आ गया, और इस साइड में भी है, ये देखो बहुत सुंदर सुंदर है। तो इसको जो है हम लोग का बीजू फेस्टिवल भी आ रहा है, साफ सफाई करना पड़ेगा, पेट भरा होने से भी थोड़ा मोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना। आंटी भी आई है अभी हम लोग का जो लायपत्ता है वो सब लेके जाने के लिए, और गाबुचे का डर का वजह से कोई भी नहीं आता है हम लोग का घर पे। देखो अब पैसा मिलेगा। अरे रानू दीदी कहाँ गया? रानू रानू दीदी आ जाओ, पैसा ले लो, पैसा सेलिंग हो रहा है यहाँ पे, सेलिंग हो रहा है गाइस। देखिए दोनों को मिलेगा आज दोनों को, और इतने बड़े बड़े लाई पट्टा गाइस देख सकते हैं, चार मुठा हो गया, चार मुठा हो गया, बहुत ही सस्ते है गाइस यहाँ पे, पांच मुठा और तो यहाँ पर जो है आंटी जी ने ले लिया है 15 मुठा, और वहाँ पे 15 मुठा रख दिया है, और यहाँ पे देखिए आंटी जी बिक्री करने के लिए लेके जा रही है राजमा गुटी, ये देखो ये वाला जो है अलग है, और ये राजमा है, ये देखो ये केलो कितना बिकता है, केलो 60 रुपीस है ये राजमा वाला, ये देखो हम लोग के पास अभी खत्म हो गया। प्रियंका लोग भी आ चुके हैं, फिर से एक आंटी के लिए रख दिया है, बिक्री हो चुका है वो भी, तो अभी भी बस 130 रुपीस ऐसे मिला है, एक मोटा 5 रुपया बिक्री किया है ना। तो अभी जो है वीडियो को ज्यादा लंबा चौड़ा कर नहीं पाऊंगी, यहाँ तक एंड करना पड़ेगा, नेट भी नहीं चल रहा है, मुझे जो है फटाफट वीडियो को एडिट करके जो है अपलोडिंग पे रखनी पड़ेगी। पता नहीं है एयरटेल का नेट तो घर पे 1% भी नहीं चल रहा है, अभी कैसे अपलोड दे पाऊंगी ऐसे मौसम में, ना नहीं चलता एकदम। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को जो है आज का ब्लॉग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट कर देना। तो बाय बाय, मिलते हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ।